फाजिल का समाचार देख रहे दर्शकों का स्वागत है। गांव खुईखेड़ा के किसानों ने खुईखेड़ा ड्रेन को साफ करने की मांग। अब खबर विस्तार से। फाजिलका के गांव खुईखेड़ा के किसानों ने गांव में से निकल रही खुईखेड़ा ड्रेन की साफ सफाई करने की मांग की है। जानकारी देते गांव के किसान प्रेम कुमार, चैनलमल, जगदीश कुमार, धीरज कम्बोज ने बताया कि ड्रेन विभाग की तरफ से कई वर्षों से साफ सफाई नहीं की गई, जिससे ड्रेन में सिकंडे ही सिकंडे खड़े हुए हैं, जिस कारण ड्रेन में से पानी निकासी आगे की तरफ नहीं हो पा रहा, जिस कारण ड्रेन का पानी बरसातों के दौरान ओवरलोड होकर उनकी जमीनों में चला जाता है, जिससे उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं और कई वर्ष तक फसल नहीं हो पाती। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि बरसातों से पहले इस ड्रेन की साफ सफाई की जाए, ताकि आने वाले बरसातों में उनकी फसलें तबाह ना हो। उन्होंने कहा कि यदि ड्रेन की साफ सफाई नहीं की गई तो आने वाले समय में समूह गांववासी मन वर्ग पर बैठकर सरकार का विरोध करेंगे। सर, क्या नाम है आपका जी? रमेश कुमार चनोब सोनलाल, पिंड खुईखेड़ा, जिला फाजिलका। की परेशानी है सर तुहानू? कुछ दिन तुसी पहले भी कुछ कल परसों वीडियो वायरल कीती सी, ते तुहाडी की समस्या है ते की कारण तुसी वीडियो ए पाई है? साडी समस्या है जी सेम दी, सन क्षेत्र तो लेके अति असी सेम वेखी है। मेरी साल 58 साल उम्र हो चुकी है। मैं इस पिंड च, मेरी जमीन है 12-13 किला, 3-3 किला सानू आउंदी परावां नू, 3-3 किला असी सारे 2004-2003 नहर गंग नाल बंद हुई, उस वे 4 साल फसल वेखी, असी फसल नहीं वेखी उस जमीन से, अज ती उस सेम च पई है जमीन। इस ड्रेन 3 ड्रेन आके पैंदियां इत्थे खुईखेड़े आके, एक गंगा जमुना सर्व सिद्धि का मेल हुंदा साडे पिंड आके, ये जाके बाहरों पानी बठिंडे जिले का लंबी एरिए इतने आके पानी साढ़े पिंड इकट्ठा हो जाता है। ये सेम वाली बेक मारती है इस अपने खुईखेड़े ड्रेन में, खुईखेड़े ड्रेन जाके बेक मारती, अगे जो पानी निकलता नहीं, कुबुल के साइड जाती है स्माल ड्रेन, अगे पानी जाम हुई पी ने अपने सेम वाली अंदर, ये सरकंडी सरकंडी खेड़े बिल्कुल 1% पानी निकलता, जो पानी बरसात आऊगी उदो पानी साढ़े पिंड खेतों में चला जाऊगा, खेतों में चले जाऊगा। एक बार पानी पहुँच गया 5 साल साड़ी जमीन नहीं सुधरती, असी पानी ला ला के 5 साल जाके फिर जाके सही फसल होने लगती है, फिर आके 5 साल बाद एक पलट आ जाता है, साड़ी जमीन फिर तबाह हो जाती है। सानू करदा उस क्षेत्र तो लेके अज तीन 4.5 साल जमीन हुई है, असी करदा करदा बहुत मत्था मारिया बी सेम साढ़े सानू उदू ले सन क्षेत्र तो लेके अज तीन सानू निजात नहीं मिला सेम का। फिर गवर्नमेंट ने किया खूब बनाए भी सेम नाल जे फिल्टर ला के पानी चढ़ के खूह साढ़े 2 कामयाब है गए, 5 खूह बने जी, 3 खूह बिल्कुल बेकार पे, 2 खूह नाल साढ़े जमीन थोड़ी फसल होने लगी है। हुण सानू ये डर फसल चंगी खड़ी है, खड़ी कारण ये सेम नाल खुद ही नहीं, ये पानी चले साढ़े पिंड चला जाना है, फिर असी बर्बाद हो जाएंगे। हुण तुसी की मांग करदे प्रशासन? मंग ये प्रशासन तो ये करते हैं भी ये सेम नाल बरसात तो पहला ਇਹ ਸੇਮ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰੇਨ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਨਾਲੀ ਪੁੱਟਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧੀਰਜ ਕੰਬੋਜ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਰੋਲਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਡਰੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸ਼ਜਰਾਣਾ ਡਰੇਨ, ਖੁਈਖੇੜਾ ਡਰੇਨ ਔਰ ਅਸਪਾਲ ਡਰੇਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਰੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕੰਡਾ ਕਾਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਡਾਫ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੈਲੂਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 2-2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਸਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਮਨਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 20-20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੰਨ ਬੰਨਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਜੀ,
और बस एक दो मंगा साड़ियां बस यही ने जी मेन भी इहदी सफाई कराई जाए और ये मिट्टी चकवाई जाए जी और जिहड़ियां पुलां ने इन्हां नूं चकवाया जाए जी। जे प्रशासन इदां दी ध्यान नहीं दिंदा फिर तुहाडे पिंड वालों की मरण वर ते बैठांगे सर साडे कोल फिर एक ही सोल्यूशन है जी। मेरा नाम जी चंदनवल संलोदुल्ला राम गांव खुई खेड़ा तहसील फलका जिला फलका। क्या प्रॉब्लम आ रही है जी? यहाँ प्रॉब्लम अभी जीरो पॉइंट से खड़े हाँ इतने सिमनल तीन आके मिलते हैं इस तो अगे जोड़ा सिमनल है वो बिल्कुल बंद है जी तो पिछले तीन चार साल तो खुदिया नहीं है तो सारे ना सारी संठी से और पे सारा तो हम कि प्रशासन प्रशासन ने ये है जी मानसून का टाइम आ गया वो आखते भी 15 जुलाई में मानसून आ जूगी तो इतने इन्नी सिमनल इन्ने है भी जो पिछों पानी आ गया साढ़े खेतों धान की फसल है वही रोड के ले जूगा तो हम की चाहते हो की चाहते कि हाँ यह है प्रशासन को यह सिमनल खोदना चाहिए 20 दिन अंदर अंदर फिर जे बारिश आ गई तो फिर खुदने नहीं इन्हें जे प्रशासन नहीं सुनवाई करता तो की करोगे फिर धरना देंगे और की है जी और कोई चारा ही कौन। मेरा नाम जगदीश कुमार सनोब श्री गढ़ सिंह गांव खुई खेड़ा। क्या प्रॉब्लम है जी आपके यहाँ? प्रॉब्लम ये है जी हम अब इस टाइम में ऑलरेडी 20,500 ब्रिज पर खड़े हैं तो इससे पीछे 3 सेम नाले आके मिलते हैं इससे आगे की सफाई 3-4 साल से नहीं हुई तो जितना भी बरसात का पानी आएगा हमारे रकबे को डुबो देता है इसलिए प्रशासन को ये गुजारिश है कि सेम बरसात होने से पहले पहले इसकी सफाई हो क्योंकि सफाई नहीं होती उसके बाद हमारी फसलें डूब जाती है ना हमें कोई मुआवजा मिलता है ना बाद और हम बैंकों का कर्जा ले लेके बड़े परेशान हो गए हैं और आत्महत्या पर मजबूर हो गए। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इसकी 20 दिन के अंदर अंदर सफाई हो। जी का? मेरा नाम प्रेम कुमार है जी। प्रेम जी क्या समस्या आ रही है गांव में? समस्या है जी बरसात का मौसम आ गया और यहाँ ड्रेन 3-4 खुईगड़ा इकट्ठी हो जाती है जी तो इन ड्रेन की कोई सफाई कई सालों से नहीं हो रही है जी ढंग से कभी थोड़ी हो जाती है तो कोई खास बात नहीं है आगे जो बड़ी सेम नाली है उसकी कभी सफाई नहीं होती जी छोटी JBC आती है वो थोड़ा थोड़ा करके चली जाती है और सरकंडे बीच में वैसे ही चले जाते हैं तो यहाँ हर साल मतलब खुईखड़े के रकबे में हजारों एकड़ में ये पानी है जो फैल जाता है। अभी फसल ठीक खड़ी है ज़मींदार है जो कहीं से कर्जा कोई बैंकों से लिया है कोई सोसाइटी से लिया है कोई कहीं से लेकर फसल अच्छी है पर ये ज़मींदारों को ये चिंता सता रही है भैया बरसात का मौसम आ गया अरे फसल ख़राब हो जाएगी फसल ख़राब हो जाती है तो ज़मींदार का जो कर्जा लिया वो कहाँ से उतरेगा फिर ज़मींदार फंस जाता है या कोई डिप्रेशन में आ जाता है तो कोई ना कोई आत्महत्या का या और सोचता है तो प्रशासन से ये मांग है सर भाई इसकी सफाई जल्द से जल्द हो थोड़ा सा बरसात आए तब भी ये ख़राब हो जाता है काम। अभी आप कहाँ की मांग करते हो? मांग करते हैं जी ये सफाई हो ढंग से हो दोनों तरफ से हो जहाँ भी रुकावट आए वो अच्छी तरह इसकी देख रेख हो। इस संबंधी ड्रेन विभाग के एक्सीडेंट पॉइंट पर ने बताया कि यह मामला उनके ध्यान में है खुईखेड़ा ड्रेन के SDO की ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि ड्रेन विभाग की तरफ से ड्रेनों की साफ सफाई का कार्य चल रहा है जो कुछ दिनों तक पूर्ण कर लिया जाएगा। फाजिलका समाचार के लिए खुईखेड़ा से विक्रम ढल की रिपोर्ट। खुईखेड़ा ड्रेन पे मशीन चल रही है तो हिंदू बल कोट वाला जो ज्यादा पुल है वो देंगे है इतों दिन 0 RTI है सब आना पेंड तो दो दिन मशीन कर दी सफाई आ रही है ये कुछ दिनों जोड़ा साफ कर दूंगी तो उस तो जो उपर वाला पोर्शन है वो साफ हो चुका है। दूजी गल जी तुम पुल की गल कर रहे हो कि पानी में दाप लाता है वो पुल खुईखेड़ा ड्रेन की 2775 RTI पे है साढ़े ध्यान जो तक नॉलेज है या हले फीट स्टाफ की नॉलेज है कि पुल दाप पानी भी नहीं आता है क्योंकि ये पानी अस्पार ड्रेन का खुईखेड़े का पानी इस जान पिछों आके मिलता है इस पॉइंट से तो ये पानी अगे जाके अपना सब ड्रेन पै जाता है फिर भी बरसातों के दिन जो कोई दाफ लाता भी है पॉइंट असं देख लाँगे कि जो फ्लड पानी ज़्यादा होगा ड्रेन के लिए चेक कर लेंगे कि कोई प्रॉब्लम है साढ़े ध्यान प्रॉब्लम नहीं है जी सफाई सर कदों तक जी उ कंप्लीट हो जाएगी बरसात तो पहला एकदम ड्रेन सफाई कर लिया।